इंग्लिश तो हर कोई सीखना चाहता है और कोशिश भी करता है, लेकिन उनमें बहुत से कम लोग इंग्लिश सीख लेते हैं। लेकिन अगर आपको भी इंग्लिश बोलना नहीं आता सो डोंट वरी, आज की वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें 100 न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स सिखाऊंगा। और हाँ, ये वोकैबुलरी का कम्प्लीट कोर्स भी है, और इससे पहले मैंने वोकैबुलरी कोर्स पर 6 वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और ये वोकैबुलरी कोर्स का 7वां वीडियो है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारा पहला वर्ड है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है इजाजत देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अंदर आता है तो हम क्या करते हैं? उसे आने की इजाजत देते हैं। या अगर कोई बाहर जाता है तो हम उसे बाहर जाने की इजाजत देते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी जगह अगर इजाजत का जिक्र आए उर्दू में तो आप इसके बदले में अंग्रेजी में अलाउ कह सकते हैं। और इसका मतलब होता है किसी को इजाजत देना, किसी जगह पर जाने की इजाजत देना। फॉर एग्जाम्पल, वी आर नॉट अलाउड टू एंटर द पार्क आफ्टर 8 PM। सेंटेंस का मतलब ये होता है कि हमें रात 8 बजे के बाद पार्क में जाने की इजाजत नहीं है। अनाउंस, अनाउंस का मतलब होता है ऐलान करना, किसी बात का ऐलान करना। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। सेंटेंस का मतलब ये होता है कि उस्ताद ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है उर्दू में किसी चीज के करीब या किसी बंदे के करीब या किसी इलाके के करीब। जब भी करीब का जिक्र आए तो आपको अंग्रेजी में बोलना है बिसाइड, यानी करीब में। फॉर एग्जाम्पल, द टू ब्रदर्स स्टूड बिसाइड ईच अदर। सेंटेंस का मतलब ये होता है कि दोनों भाई एक दूसरे के साथ खड़े थे। इशू, इशू का मतलब होता है मसला। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट अ बिग इशू। सेंटेंस का मतलब ये होता है कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अक्सर कोई ना कोई किसी प्रॉब्लम, किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो हम उसे कह सकते हैं अगर उसका मसला बहुत ज्यादा छोटा हो, इतनी बड़ी ना हो, तो हम उसे इस तरीके से कह सकते हैं, इट इज नॉट अ बिग इशू, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। क्लेम, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, किसी चीज पर अपना हक जमाना, उसे अपनाना। इसको क्लेम कहा जाता है, यानी दावा करना। फॉर एग्जाम्पल, द रशियन क्लेम दैट मुल्ला नसीरुद्दीन वॉज बोर्न इन रशिया। सेंटेंस का मतलब ये होता है कि रशियन लोग ये दावा करते हैं कि मुल्ला नसीरुद्दीन रशिया में पैदा हुए थे। कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है उर्दू में हालत। अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई घर खरीदते हैं या कोई जगह देखते हैं तो हम उसकी, हम क्या करते हैं, उसकी कंडीशन देखते हैं, उसकी हालत देखते हैं। तो अगर आप किसी घर को खरीदने जा रहे हो तो क्या देखते हैं उस घर में? उस घर में आप देखते हैं कि ये घर पुराना है या नया है। तो इसको अंग्रेजी में कंडीशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कंडीशन ऑफ दिस हाउस इज बेड। इस घर की हालत खराब है। कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है तआवुन या हिस्सा डालना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जगह पर हॉस्पिटल बनता हो या कोई और चीज बनता हो जो सारे लोगों के लिए फायदा मंद हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए जगह जगह पर चंदा इकट्ठा करते हैं ताकि वो चीज हम बना सके, उसको तामीर कर सके। कहने का मतलब ये है कि किसी चीज में अगर आप पर्सनली हिस्सा लेते हैं तो इसको अंग्रेजी में कंट्रीब्यूट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट मनी टू द न्यू हॉस्पिटल। सेंटेंस का मतलब ये है कि हमने नए अस्पताल के लिए रकम देने का फैसला किया। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है फर्क। फॉर एग्जाम्पल, इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है तकसीम करना, यानी एक चीज को दो हिस्सों में बांटना। इसको अंग्रेजी में डिवाइड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी डिवाइडेड द पिज्जा। सेंटेंस का मतलब ये होता है कि हमने पिज्जा तकसीम किया। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब होता है माहिर। अगर कोई बंदा किसी काम में बहुत ज्यादा माहिर हो, उसे बहुत ज्यादा तजुर्बा हो इस काम में, तो इसको अंग्रेजी में एक्सपर्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन एक्सपर्ट मैकेनिक। वो एक माहिर मैकेनिक है। मैकेनिक का मतलब होता है मिस्त्री, यानी गाड़ियों का मिस्त्री जो होता है, इसको अंग्रेजी में मैकेनिक कहा जाता है। फेमस, फेमस का मतलब होता है मशहूर।
फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बी फेमस सेंटेंस का मतलब यह है कि मैं मशहूर होना चाहता हूँ। फोर्स, फोर्स का मतलब होता है ताकत, किसी चीज पर अपना मुकम्मल ताकत लगाना, अपना मुकम्मल जोर लगाना, इसको अंग्रेजी में फोर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज्ड ऑल ऑफ हिज फोर्स टू ओपन दिस सेंटेंस का मतलब ये होता है कि इसने ऐसे खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की। हार्म, हार्म का मतलब होता है नुकसान, किसी चीज को नुकसान पहुंचाना या किसी चीज नुकसान में हो, यानी किस जगह पर भी नुकसान का लफ्ज आए तो इसको अंग्रेजी में इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, अंग्रेजी में इस तरह बोलेंगे। अंग्रेजी में इसके लिए ये वर्ड यूज होता है हार्म। ये जो हार्म है इसमें आर साइलेंट है, आपको आर नहीं बोलना है, आपको इस तरीके से बोलना है हार्म। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव सर्वड सीरियस फिजिकल हार्म सेंटेंस का मतलब ये होता है कि इन्हें शदीद जिस्मानी नुकसान पहुंचा है। लाए, लाए का मतलब होता है झूठ। फॉर एग्जाम्पल, डोंट लाए टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो। पीस, पीस का मतलब होता है अमन। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन्ट पीस, हम अमन चाहते हैं। प्रिंस, प्रिंस का मतलब होता है शहजादा। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि शहजादा कौन होता है, किसका बेटा होता है, तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि शहजादा राजकुमार का बेटा होता है, यानी राजकुमार का जो बेटा है, जो आने वाले समय में राजकुमार बन सकता है, तो इसको शहजादा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंस एंड द प्रिंसेस वर मैरिड सेंटेंस का मतलब ये होता है कि शहजादे और शहजादी की शादी हो गई। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना या महफूज करना। फॉर एग्जाम्पल, फायरमैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फायर्स सेंटेंस का मतलब ये होता है कि फायरमैन हमें आग से बचाता है। सिंस, सिंस का मतलब है समझना, किसी बात को समझना, किसी चीज के बारे में गौर करके उसको समझना, इसको अंग्रेजी में सिंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड सिंस दैट ही वॉज वॉचिंग मी, मैं समझ सकता था कि वो मुझे देख रहा है। सडन, सडन का मतलब होता है अचानक, यानी एकदम, या कोई काम अचानक हो जाए तो इसको अंग्रेजी में सडन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही फेल्ट अ सडन पेन इन हिज चेस्ट सेंटेंस का मतलब ये होता है कि इसे अपने सीने में अचानक दर्द महसूस हुआ। देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब होता है लिहाजा। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, देयरफॉर इट माइट रेन सेंटेंस का मतलब ये है के आसमान पर बादल है, इसलिए बारिश हो सकती है। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, यानी आसमान पर बादल है, देयर फॉर इसलिए इट माइट रेन बारिश हो सकता है। ओके, अगर आप में से किसी ने इस कोर्स के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, जिससे आप और भी बढ़िया वोकैबुलरी वर्ड्स जान सकते हो, और इंग्लिश सीखने में ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट भी है।